हेलो एवरीवन, नमस्कार। कम्बागणी राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है और किसी भी सॉल्वेंट का, किसी भी ऑर्गेनिक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट हम कैसे निकाल सकते हैं। जो एक्सपेरिमेंट होता है उसको आज हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। ऑलराइट, जब भी कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हीट देनी पड़ेगी, टेम्परेचर देना पड़ेगा, ताकि हमारा जो लिक्विड है वो गैसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाए। यहाँ पर जो हम हीट दे रहे हैं, जो टेम्परेचर दे रहे हैं, वो एक कांस्टेंट प्रेशर पे होना चाहिए, जो कि होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब हम किसी लिक्विड को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे टेम्परेचर देना स्टार्ट करते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट करते हैं, उसको हीट देना स्टार्ट करते हैं, तो जिस टेम्परेचर पे लिक्विड गैसेस के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा, उसी टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे उसका। जैसे कि वाटर है, ये हमारा H2O लिक्विड है और यहाँ पे हमने लिया है H2O सॉलिड, सॉरी गैस। ओके, यहाँ से लिक्विड से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होगा हमारा वाटर। इसके लिए बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। यानी कि जब हम H2O लिक्विड को इतना तापमान दे देंगे कि उसका टेम्परेचर कितना हो जाए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाए, तो इस टेम्परेचर के बाद हमारा जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देंगे, गैसेस के मॉलिक्यूल्स में, वेपर्स में जाना स्टार्ट कर देंगे। इसी को हम बोलते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, जो कि वाटर का क्या रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। और ये एक कॉन्स्टेंट प्रेशर पर रहता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। ऑलराइट, अब हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि क्या सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को चेंज करने से बॉइलिंग पॉइंट पे फर्क पड़ेगा, तो उसका आंसर हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिए, हमारे पास दो सिस्टम है। सपोज हमारे पास क्या है, ये दो सिस्टम है, एक सिस्टम कुछ ऐसा है और एक सिस्टम कुछ ऐसा है हमारे पास, जिसपे हमने क्या लगा रखा है, पिस्टन लगा रखा है। क्या लगा रखा है, पिस्टन लगा रखा, ताकि हम इसका क्या कर सके, प्रेशर चेंज कर सके। यह है हमारा पिस्टन, जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, हमारे इस वाले सिस्टम का प्रेशर चेंज करेंगे। और यहां पर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा। अब इसमें हमने क्या डाल रखा है, यहाँ पे मान लीजिए हमारा है H2O, क्या है, वाटर है, जो कि लिक्विड फॉर्म में है, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, H2O लिक्विड के फॉर्म में है। गॉट इट, ये है हमारा H2O और ये है हमारा H2O किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, और ये भी हमारा लिक्विड फॉर्म में। अब क्या होगा, कुछ समय बाद जब हम इसको हीट देना स्टार्ट करेंगे तो क्या रहेगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या होगा, इसका वेपराइजेशन होना स्टार्ट करेगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या रहेंगे, मेरे पास H2O के मॉलिक्यूल्स पहुँच जाएंगे, किस फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में, जिनका टेम्परेचर क्या रहेगा, मेरे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, हम मान के चल रहे हैं। और यहाँ पर H2O क्या है, हमारे पास गैसेज के फॉर्म में मिल गया। ऐसे ही यहाँ पर भी देखिए, सेम प्रोसेस है, नीचे से हीट दी हमने और यहाँ पर क्या रहेंगे, हमारे पास H2O के वेपर के मॉलिक्यूल्स हो गए, H2O के वेपर के मॉलिक्यूल हो गए। ये हमारा, सॉरी, ये वाला हमारा गैसेज स्टेट और ये भी क्या हमारे गैसेस स्टेट है, ये लिक्विड स्टेट है, ये गैसेस स्टेट है, दोनों में क्या कर रखा है, अभी हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। ठीक है, दोनों में क्या हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, ये वेपर का। ठीक है, इतना चीज समझ में आ गया। तो यहाँ पर भी बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, बॉइलिंग पॉइंट अभी फिलहाल 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, लेकिन अभी हमने यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं लगाया है, पिस्टन को सिर्फ लगा रखा है, ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात हो रही है, उस समय 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दोनों का है। अब इस सिस्टम में तो हमने को अपने को कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, अपने को देखना है कि प्रेशर चेंज करने से क्या टेम्परेचर में परिवर्तन आएगा या फिर नहीं आएगा। तो देखिए, आंसर ढूंढते हैं भाई, आंसर तो ढूंढने से ही मिलेगा। देखिए, यहाँ पर क्या हमारे पास H2O के मॉलिक्यूल्स है वेपर के फॉर्म में है, यानी कि H2O के मॉलिक्यूल्स क्या हैं, दूर दूर हैं। जब हम इन मॉलिक्यूल्स पे क्या करेंगे, प्रेशर लगाना स्टार्ट करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, पिस्टन को नीचे की ओर धकेलना स्टार्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स इस गैसेस के
यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं H2O के, उनको हम दबा रहे हैं। जब हम इन मॉलिक्यूल्स पे प्रेशर लगाएंगे तो क्या ये मॉलिक्यूल्स नीचे की ओर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाने वाले हैं। यानी कि यहाँ पर जिस, अगर ये मॉलिक्यूल्स, एक H2O का मॉलिक्यूल यहाँ पे था और एक H2O का मॉलिक्यूल यहाँ पे है, जब हम ऊपर से प्रेशर लगाएंगे तो क्या ये मॉलिक्यूल्स यहाँ से डिस्टेंस करके इस H2O के मॉलिक्यूल के पास आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर, बिल्कुल आएगा। तो क्या दो H2O के मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस कम हुई कि नहीं हुई? सर डिस्टेंस तो कम हो गई। इसका मतलब ये H2O पास पास आए कि नहीं आए? H2O के मॉलिक्यूल्स पास पास आए कि नहीं आए? सर बिल्कुल आ गए। दैट मीन्स इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? सर बिल्कुल बढ़ गया। तो अट्रैक्शन बढ़ा तो क्या वो लिक्विड होने की और बढ़ अग्रसर है या फिर नहीं है? सर बिल्कुल है। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ाने से इनका लिक्विडिफिकेशन स्टार्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? लिक्विडिफिकेशन। और टेम्परेचर तो कांस्टेंट कर ही रखा है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो यहाँ पर जब H2O के मॉलिक्यूल्स को प्रेशर लगा करके लिक्विड फॉर्म में हम कन्वर्ट करते चले जा रहे हैं, तो उस समय भी टेम्परेचर क्या है इसका? 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ही है। तो क्या ये मॉलिक्यूल्स प्रेशर लगाने से, इसका मतलब क्या हुआ, इन मॉलिक्यूल्स पर प्रेशर लगाने से ये लिक्विड, इनका लिक्विडिफिकेशन तो हो गया लेकिन टेम्परेचर अभी भी क्या है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ही है। और पहले क्या था, यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे वाटर के मॉलिक्यूल्स किस फॉर्म में थे? गैसेस फॉर्म में थे, एट 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर। लेकिन हमने प्रेशर को चेंज कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर भी अभी हमारे H2O के मॉलिक्यूल्स लिक्विड फॉर्म में ही है, ये गैसेस फॉर्म में नहीं गए। दैट मींस अपने को इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से भी ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं बढ़ाना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। सब अगर गैसेस फॉर्म में अपने को लेके जाना है इन मॉलिक्यूल्स को, तो हमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से भी ज़्यादा टेम्परेचर इन मॉलिक्यूल्स को देना पड़ेगा ताकि ये फिर से गैसेस फॉर्म में चले जाएं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो क्या प्रेशर बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आ रहा है? सर बिल्कुल आ रहा है। सर बिल्कुल बॉइलिंग पॉइंट में चेंजेस आ रहा है जब हम प्रेशर को चेंज करते हैं, तो उस दौरान इसीलिए हम एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर मानकर चलते हैं, जो कि हमारा क्या होता है, एक स्टैंडर्ड प्रेशर, हम हमेशा के लिए इसको मान के लेते हैं। ऑलराइट, अब जो है, तो ये तो हो गया हमारा बॉइलिंग पॉइंट की बात, कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही हम यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट में क्यों लेते हैं। अब हम बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि एक्सपेरिमेंट करना है हमने, तो उसके लिए अपने को रिक्वायर्ड मटेरियल्स कौन कौन से चाहिए, किन किन मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए देखिए। सबसे पहले अपने को स्टैंड चाहिए, किस प्रकार का दिखाई देता है देख लीजिए। उसके बाद बर्नर अपने को चाहिए, वायर गेज चाहिए, बीकर चाहिए, थर्मामीटर चाहिए, कंडेंसर चाहिए, कंडेंसर क्या होता है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, डिस्टिलेशन फ्लास्क चाहिए। देखिए डिस्टिलेशन फ्लास्क की स्ट्रक्चर को अच्छे से ध्यान से नोटिस कर लीजिए, बाद में काम आएगा। और आठवां अपने को कॉर्क चाहिए। उसके बाद और क्या चाहिए, हमारा जो ऑर्गेनिक लिक्विड है वो अपने को चाहिए, जिसका हम बॉइलिंग पॉइंट निकालने वाले हैं। और सबसे एंड में अपने को चाहिए बॉइलिंग चिप्स। बॉइलिंग चिप्स क्या होती है डिस्कस करेंगे आगे अच्छे से। तो ये है हमारे पास रिक्वायर्ड मटेरियल्स, जो कि हमारे एक्सपेरिमेंट के दौरान नीड होंगी। ऑर्गेनिक लिक्विड को बेटा भूल मत जाना, क्योंकि इसी का अपने को क्या निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। ऑलराइट, अब देखिए, तो हमने एपरेटस देख लिए कि कौन कौन से किस किस प्रकार के एपरेटस अपने को चाहिए थे और उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है ना। अब देखिए हमारे पास सिंगल, अब इस प्रकार से ज़ूम कीजिए कि हमारे पास सभी सिंगल एपरेटस पड़े हैं हमारे सामने, हमें उसको एक सिस्टम के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो वो सिस्टम अपने को कैसे बनाना है। अब अपन सिस्टम बनाना सीखेंगे कि किस प्रकार से जो हमारे पास अलग 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 एपरेटस थे उनको जोड़ना है और एक सिस्टम बनाना है ताकि हम बॉइलिंग पॉइंट निकाल सकें। उसके लिए सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा बेटा, देखिए सबसे पहले क्लैंप स्टैंड लेंगे। क्लैंप स्टैंड के बाद में हम रखेंगे बर्नर को। बर्नर के बाद बर्नर के ऊपर रखेंगे हमारा स्टैंड। उसके बाद हम रखेंगे वायर गेज, और उसके ऊपर हम रखेंगे डिस्टिलिंग फ्लास्क।
क्या रखेंगे बेटा, डिस्टिलिंग फ्लास्क रखेंगे, और डिस्टिलिंग फ्लास्क के ऊपर हम लगाएंगे कॉर्क को। किसको? कॉर्क, जो हमने कुछ इस प्रकार की देखी थी। इसकी शेप कुछ इस प्रकार की होती है ना। हमारी जो कॉर्क होती है इसमें अपने को एक छेद करना होता है ताकि हम इसमें थर्मामीटर को डाल सकें। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर सकें, थर्मामीटर को डाल सकें। इस प्रकार से अपने को एक छेद करना होता है, और यहाँ लगाने के बाद हम लगाएंगे थर्मामीटर को, और उसके बाद हमारे जो डिस्टिलिंग फ्लास्क है उससे कनेक्ट करेंगे कंडेंसर को। कंडेंसर को कनेक्ट करने के बाद जो बीकर है, या तो आप बीकर ले सकते हो या फिर जो कॉनिकल फ्लास्क है उसको भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो कॉनिकल फ्लास्क को यहाँ पर हम इस प्रकार से अरेंज कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम पूरा एक अपना जो सिस्टम है उसको मैनेज करके रख लेंगे। अब अपने को क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, अपने को बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, जो भी हम यहाँ पर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले रहे हैं, ऑर्गेनिक लिक्विड ले रहे हैं उसका। तो अब हम सीखने वाले हैं कि ऑर्गेनिक लिक्विड का हम किस प्रकार से बॉइलिंग पॉइंट निकालेंगे, प्रोसीजर क्या होता है इसका। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पर ना, यहाँ पर जो हमारा सिस्टम यूज कर रखा है, ठीक है, अभी तक हमारे पास क्या है, इसमें कोई भी लिक्विड नहीं है। ठीक है, कोई फ्लूड अपन ने इसमें डाल नहीं रखा, कोई लिक्विड नहीं डाल रखा। अब हमारे पास क्या है, हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक लिक्विड, ऑर्गेनिक लिक्विड है। इसको हम क्या करेंगे, हमारी इसके अंदर डाल देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो डिस्टिलिंग फ्लास्क है उसमें थर्मामीटर को और कॉर्क को लगाने से पहले ऑर्गेनिक लिक्विड को फिल कर लेंगे, और जो हमने बॉइलिंग चिप ली थी, बॉइलिंग चिप्स, इसके भी चार पांच टुकड़े जो हैं इसके अंदर ऐड कर लेंगे। ऑलराइट, ये सब ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, कॉर्क लगा के थर्मामीटर को लगा देंगे। ऑलराइट, उसके बाद क्या करना है, अब अपने को क्या करना है, इसको हीट देनी स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो सिस्टम हमारा तैयार है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमने डाल दिया, ये है हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और इसमें हमने क्या डाल रखी है बेटा, ये छोटी छोटी क्या डाल रखी है हमने, इसमें बॉइलिंग चिप्स डाल रखी है, सबसे नीचे होती है, इसको नीचे बनाओ। ये हमने यहाँ पे क्या डाल रखी है, बॉइलिंग चिप्स डाल रखी है। ये जो बॉइलिंग चिप्स होती है कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हो सकती है, ठीक है, बनी होती है। इसका यूज क्या होता है, आगे सबसे एंड में हम इसका यूज देखेंगे कि बॉइलिंग चिप्स को डालने का यूज क्या हो रहा है, क्या अपने को फायदा मिल रहा है। और एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, जो बॉइलिंग चिप्स होती है ये कभी भी हमारा जो सॉल्वेंट रहेगा उसमें सोल्यूबल नहीं रहेगी, ये हमेशा ही किसी भी सॉल्वेंट क्या रहती है, अनसोल्यूबल रहती है। ये एक स्टोन जैसा कि पत्थर होता है ना, स्टोन वैसी ही ये होती है। ठीक है, तो अनसोल्यूबल होती है हमारे सॉल्वेंट के अंदर, जिससे इसकी प्योरिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके बॉइलिंग पॉइंट पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से इसको हीट देना स्टार्ट कर रहे हैं, हीट देना स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा, हमारा जो सॉल्वेंट है, हमारा जो लिक्विड है, वो क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेगा, हीट लेता चला जाएगा। अब एक सीमा ऐसी आएगी, एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जहाँ पर ये जो लिक्विड है ये कह देगा कि नहीं भैया, अब मेरे पास इतनी एनर्जी है कि मैं आपके इस स्टेट को छोड़ करके मैं गैसेस स्टेट में जाने को तैयार हूँ। ठीक है, ये कोई भी इसका टेम्परेचर हो सकता है, अपने को तो ज्ञात करना ही है। तो मान के चलिए किसी एक टेम्परेचर पर क्या हो रहा है, अब यहाँ से यहाँ तक वेपर के फॉर्म में चला गया। अब ये इस ट्यूब के अंदर क्या है, वेपर के फॉर्म में है, हमारा जो लिक्विड है वो वेपर फॉर्म में चला गया। अब ये वेपर फॉर्म में ऊपर तो जा नहीं सकता, क्योंकि ऊपर से तो क्या है, पूरी तरीके से क्लोज्ड है, कहाँ जाएगा, यहाँ से, क्योंकि यहाँ से क्या है, खुला है। यहाँ से इस नली से होते हुए ये किस में चला जाएगा, हमारे कंडेंसर में चला जाएगा। किस में, कंडेंसर में। यहाँ से क्या आ रही है इसकी, हमारे लिक्विड की वेपर आ रही है, लिक्विड की क्या आ रही है, वेपर आ रही है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास इस लिक्विड से जो वेपर निकल रही है वो इस नली के थ्रू किस में जा रही है बेटा, कंडेंसर में जा रही है। और कंडेंसर में क्या हो रहा है, कंडेंसर के इस ओर से हम क्या कर रहे हैं, वाटर को एंटर करवा रहे हैं, H2O को, जो H2O लिक्विड है उसको एंटर करवा रहे हैं। ये ठंडा होना चाहिए, है ना, कूल वाटर इन, यहाँ से हम ठंडे जल को अंदर प्रवेश करवा रहे हैं, और यहाँ से क्या हो रहा है, इस वाले रास्ते से जो पानी है वो क्या हो रहा है, बाहर निकलता जा रहा है। हम पानी अंदर क्यों पास करवा रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ से जो वेपर निकली है
यहाँ से जो वेपर आ रही है, वेपर गुजर रही है, ये क्या हो जाए बेटा, ठंडी हो जाए, क्योंकि ये चीज़ ठंडी है। जब ये इस ट्यूब के आसपास वाटर मूव करेगा तो यहाँ से, क्योंकि ये ठंडा है, H2 क्या है यहाँ पे, कूल है, यानी कि इस H2O का टेम्परेचर क्या है, कम है, और यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो एनर्जी किधर से किधर मूव करेगी, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर क्यों मूव करेगी, दैट मीन्स यहाँ से एनर्जी जो है यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ से एनर्जी किस में चली जाएगी, H2O के अंदर, और इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, मोलिक्यूल्स की कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे अपने को फिर से वापस क्या हो जाएगा, यहाँ से जो लिक्विड वेपर के फॉर्म में निकला था, वहाँ से वापस से अपने को लिक्विड जो है वो कहाँ से, वेपर से वापस से अपने को लिक्विड फॉर्म में मिल जाएगा। तो ये तो था एक प्रोसेस। सर इसमें हमने बॉइलिंग पॉइंट कहाँ निकाला, तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा यहीं पे निकलेगा, यहाँ पे अपने अपने पास क्या निकलेगा, बॉइलिंग पॉइंट निकलेगा। तो यहाँ से जो वेपर निकल रही है, इस वेपर का कोई ना कोई एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर रहा होगा, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर रहेगा। तो जिस समय रीडिंग हमारी थर्मामीटर पे कॉन्स्टेंट रीडिंग हो जाए, इसका मतलब वही टेम्परेचर हमारा क्या है, बॉइलिंग पॉइंट होगा, वही टेम्परेचर हमारा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर को अपने को क्या करना है, नोट करना है, किसके अंदर, थर्मामीटर के अंदर, और वही क्या होगा हमारा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट को निकाल सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का। देखिए इसका हम पाथ कैसे बनाएं, देखिए, टेक ऑर्गेनिक लिक्विड इन डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड एड बॉइलिंग चिप्स डाल देंगे, हीट करेंगे हमारे सॉल्यूशन को, लिक्विड को हम क्या करेंगे, हीट देना स्टार्ट करेंगे, बॉईल करना स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन बॉईल, यहाँ पे हम लिक्विड ले सकते हैं, नॉट सॉल्यूशन, लिक्विड, ओके, लिक्विड बॉईल एंड स्टार्ट टू कन्वर्ट इन वेपर ऑफ द ऑर्गेनिक लिक्विड। उसके बाद जब ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास दो रास्ते आते हैं। पहला चीज कि वेपर पास थ्रू कंडेंसर एंड वेपर चेंज लिक्विड बाय कूलिंग इन कंडेंसर, और हमें क्या मिल जाएगा, वापस से ऑर्गेनिक लिक्विड कलेक्ट इन बीकर, ठीक है। दूसरी चीज, थर्मामीटर ऑब्जर्व्ड केयरफुली एंड रीडिंग नोटेड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ओके, इज दैट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्गेनिक लिक्विड, जिसको हम पाथ से इस प्रकार से दर्शा सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। उसके बाद हमारे पास दो क्वेश्चंस बचे थे, पहला कि बॉइलिंग चिप्स हम क्यों यूज कर रहे हैं, और दूसरा कि वायर्स गूज हम क्यों यूज कर रहे हैं। पहले इस वाले क्वेश्चंस को हम निपटा लेते हैं। जो हम तार की जाली का यूज कर रहे थे वो क्यों यूज कर रहे थे, देखिए जब हम इसको इधर समझते हैं, जब हम बर्नर के थ्रू हमारे इस लिक्विड को हीट देना स्टार्ट करते हैं, है ना, लिक्विड को क्या देना स्टार्ट करते हैं, हीट देना स्टार्ट करते हैं, तो हम बीच में क्या करते हैं, तार की जालिका को रखते हैं। उसको रखने का मकसद क्या है, क्या होता है कि जब यहाँ से हीट निकलेगी और अगर हमारे पास तार की जालिका नहीं हो, तो देट मीन्स क्या होगी, ये डायरेक्ट जो है डिस्टिलिंग फ्लास्क के कॉन्टेक्ट में आएगी, इस वाले हिस्से पे, सिर्फ इस वाले हिस्से पे आएगी कि नहीं आएगी, सिर्फ यहीं पे क्या रहेगी, एक पोर्शन पे, एक पर्टिकुलर पोर्शन पे क्या रहेगी, ये फ्लेम कॉन्टेक्ट में आएगी डिस्टिलिंग फ्लास्क, जिसकी वजह से क्या होगा, इसके ब्रेक करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन जब हम तार की जालिका को यहाँ पर लगा लेते हैं बीच के अंदर, तो क्या होता है, ये जो फ्लेम होती है ये क्या हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है, थोड़ी इधर से भी जाएगी, थोड़ी इधर से भी जाएगी, थोड़ी इधर से भी जाएगी। जब आप किसी कटोरी को या फिर किसी भी आपके वेसल को किसी स्टोव पर रख के आप क्या करते हो, गर्म करना स्टार्ट करते हो, तो क्या होता है, एक गैस जो होती है बेटा, ये यहाँ तक फैल जाती है कि नहीं फैल जाती है, फैलती है कि नहीं फैलती है, यहाँ तक क्या होती है, इसकी जो फ्लेम है वो चारों तरफ से क्या होती है, इसको एक इक्वल पोर्शन से क्या होती है, लगना स्टार्ट कर देती है, होता है सेम वही चीज़ है। इसी वजह से, क्योंकि ये राउंड शेप में होता है, और अगर राउंड शेप में है, नीचे से अपने डायरेक्ट हीट दे दी, तो ये सिर्फ इसी पोर्शन को टच करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे वायर जालिका लगा देते हैं बीच में, तो ये क्या करेगी, इस फ्लेम जो नीचे से फ्लेम आ रही है उसको क्या कर देगी बेटा, स्प्रेड कर देगी, फैला देगी चारों तरफ से, जिससे क्या हो जाए, जो टेम्परेचर इसको एक कंटिन्यूसली चारों तरफ से इक्वल फॉर्म में क्या रहे, मिलता रहे। यही काम होता है इसका यूज़ करने का। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन था कि
बॉइलिंग जो चिप्स हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, बॉइलिंग चिप्स को यूज़ करने का एक मेन मोटिव है कि ये जो हमारा डिस्टिलिंग फ्लास्क है ना, जिसके अंदर हमने क्या डाल रखा है बेटा, लिक्विड डाल रखा है, ये हमारा लिक्विड है। इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, हमारी कुछ बॉइलिंग चिप्स हमने इसमें डाल दी। ये जो बॉइलिंग चिप्स होती है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि ये तो अनसोल्यूबल होती है सॉल्वेंट में, तो इसके बॉइलिंग पॉइंट पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगी। ये अंदर से क्या होती है, पोरस होती है, यानी कि ये छिद्रित फॉर्म में होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, और अंदर से क्या होती है, इसमें एक वैकेंसी होती है, ठीक है। और इसी वजह से क्या होता है कि जब हम इसको टेम्परेचर देना स्टार्ट करते हैं नीचे से, तो कई बार क्या होता है, एक बड़े बुलबुले के फॉर्म में हमारा सॉल्वेंट एक फटाक से फूट करके बाहर निकलता है ना, बड़े बुलबुले के फॉर्म में। तो बड़े बुलबुले में क्या होती है, एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक थोड़ा सा एनर्जी जो है, यानी कि उसके अंदर एयर बन जाती है। इसी एयर को, जो एयर यहाँ से निकली है, जो एक बड़े बुलबुले के फॉर्म में, इस एयर को क्या कर लेता है, ये अपने अंदर एकत्रित कर लेता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। यही काम होता है हमारे यहाँ पे बॉइलिंग चिप्स का। ऑलराइट, तो आई होप आपको बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है और हाउ टू डिटरमाइन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक लिक्विड, आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक। मिलेंगे इसी प्रकार के किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, जय किसान, जय भारत, वंदे मातरम।